महंगाई बेरोजगारी पर युवक कांग्रेस ने हुंकार भरते हुए मोदी सरकार से रोजगार की मांग की है। ये प्रदर्शन सतना जिले में हुआ। लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी सतना नगर निगम के बेलगाम संपत्ति कर और फ्लाईओवर पुल निर्माण जैसी अधर में लटकी कई समस्याओं को लेकर युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस बीच पुलिस पहले से ही युवक कांग्रेस के नेताओं को रोकने के लिए यहां पहुंच गई थी। आंदोलित युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उनके लिए पहले ही बैरिकेड लगा दिए गए। प्रदर्शनकारी कलेक्टर से मिलने को अड़े रहे। पुलिस भी बीच में आई। इस दौरान हल्की झड़प भी हुई। इसके बाद प्रशासन की ओर से मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कांग्रेसियों का मांग पत्र हासिल किया और उसे सरकार तक भेजने की बात कही। इस प्रदर्शन का नेतृत्व युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने किया। प्रदर्शन में सतना जिला के युवक कांग्रेस अध्यक्ष मशहूद अहमद शेरू भी बड़ी संख्या में युवाओं के साथ मौजूद रहे। बहुत बड़ा मुद्दा है हम युवाओं के लिए और पूरे प्रदेश में हम इसको लेकर समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं, पर ये सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हमें रोडों पर उतरना पड़ा और घेराव करना पड़ा। क्या आंदोलन करने में आपको लेट हुआ है? आंदोलन तो ये शुरुआत है, अभी आप देखेंगे कितना उग्र आंदोलन होगा अगर ये हमारी जो बेरोजगारी उसको दूर नहीं करेंगे और हमारी जो महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, उसको दूर नहीं करेंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर हम लड़ रहे हैं और अगर ये नहीं करते तो हमारा आंदोलन तेज करेंगे हम।